पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सागर के नजदीक बन रहे स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में पानी की बचत और पार्क की खूबसूरती के लिए बनाए गए तालाब में डूबने से पिता पुत्र की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतक गौरीशंकर 45 वर्ष और पुत्र 15 वर्षीय राज निवासी मोतीनगर सागर लकड़ी लेने के लिए ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के पास नए विकसित हो रहे स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में गए थे। समीप स्थित पक्के तालाब में 15 वर्षीय राज पानी पीने के लिए तालाब में गया और पानी पीने के दौरान उसका पैर फिसल जाने से पानी में डूब गया और जब इसकी जानकारी पिता को लगी तो वह बेटे को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े और बेटे को जीवित निकालने के प्रयास करते रहे, लेकिन तालाब बहुत बड़ा होने के साथ सभी किनारे पक्के और ढलान नुमा होने के कारण उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझा और वे न बेटे को बचा सके न खुद बच सके और दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के वक्त बड़ा बेटा कमल लकड़ी रखने के लिए घर पर गया था और जब वो लौटा तो उसकी माँ बदहवास हालत में रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी। बड़े बेटे ने लोगों को बुलाया और पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन तब तक पिता पुत्र दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। सागर पुलिस ने लोगों की मदद से शव को तालाब से निकालकर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंपते हुए मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। बताया जाता है कि विगत 4-5 सालों में इस तालाब में कई घटनाएं हो चुकी है। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.